2014 के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी टीम का ऐलान कर ही दिया। पार्टी ने 20 समितियां बनाई हैं जो मोदी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार से जुड़े सारे पहलुओं को देखेंगी। मोदी की टीम में सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली जैसे दिग्गजों को मुख्य जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, श्री वेंकैया नायडू, श्री नितिन गडकरी, तीनों हमारे पूर्व अध्यक्ष, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली जी, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत, श्री रामलाल जी और हमारे अन्य तीन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और श्री मनोहर पर्रिकर रहेंगे। बीजेपी ने नई समितियां बनाई हैं। घोषणा पत्र समिति डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में काम करेगी, तो वहीं एक कमेटी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी जिसकी जिम्मेदारी नितिन गडकरी को सौंपी गई है। बीजेपी ने प्रचार प्रसार समिति का भी गठन किया है जो पार्टी के प्रचार से संबंधित जिम्मेदारी संभालेगी और इसकी अगुवाई सुषमा स्वराज करेंगी। बीजेपी अगस्त महीने से चुनावी अभियान में पूरी तरह से जुट जाएगी। देश भर में बीजेपी रैलियों का आयोजन करने जा रही है। अभी 100 रैलियों की योजना तैयार की गई है जो कि अगस्त से शुरू होगी। इन रैलियों की जिम्मेदारी पार्टी नेता अनंत कुमार को दी गई है। बूथ स्तर पर बीजेपी की तैयारी हमेशा कमजोर मानी जाती रही है, ऐसे में इस बार पार्टी ने बूथ समिति बनाई है जो वन बूथ 10 यूथ की तर्ज पर युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी जिसकी जिम्मेदारी थावरचंद गहलोत को दी गई है। बीजेपी ने चुनाव समितियों का ऐलान तो कर दिया है लेकिन ऐसा करने में उसके पसीने छूट गए, वजह बने मोदी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मोदी को रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे में चुनाव समितियों को अंतिम रूप देने में पार्टी को 25 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। वैसे भी मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी जैसे सीनियर लीडर मोदी को रिपोर्ट करेंगे, इसमें संदेह ही नजर आता है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी संभालेंगे। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने खुद ही गडकरी को ये जिम्मा सौंपा है। गडकरी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर विशेष ध्यान देंगे और उनका सहयोग पार्टी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे।